का तिरस्कार नहीं करते, क्योंकि लिखा है वेदों ने कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश जिनकर भेद को पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया चचिया भर छाछ पे नाच न पावे। भगवान ने इस अवतार में अनर्क को और प्रहलाद को दीक्षा दी है, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का मार्ग दिखाया। सातवीं बार प्रजापति की पत्नी रुचि के यहां से यज्ञ के स्वरूप में भगवान ने अवतार लिया। जब जहां जिस समय देश परिस्थिति के अवतार हुआ, भगवान ने सदैव जगत कल्याण की बात करी है। अष्टम मेरु देव्याम तुम नाभे जात उरुकमह दर्शयन वत्म क्षीराणाम सर्वा सर्व नमस्कृतम। राजा नाभि की पत्नी से मेरी देवी के गर्भ से ऋषभ देव का आठवां अवतार हुआ। भगवान के 21 अवतारों का वर्णन है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व लोक मत्स्य अवतार, 12 अवतार राम अवतार और कृष्ण अवतार को देते हैं। 9 अवतार भगवान ने मत्स्य स्वरूप में लिया था, 9 ने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन का अर्थ है सब कुछ नष्ट कर देना, निकाल लेना, मत्स्य अवतार लिया और जगत का कल्याण किया। कई बार क्या होता है, आप शिव है या शक्ति, लेकिन शांति सबसे बड़ी दौलत होती है। अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट वुमेन सक्सेसफुल लाइफ। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। एक शब्द के दो तरीके से समझना होता है, एक भावार्थ और दूसरा लक्ष्यार्थ। जो बोलता है वो बड़े सुंदर शब्दों में बोलता है, लेकिन निर्भर करता है कि सामने वाला उसको कितना अपने लक्ष्य में ले आता है। हम कथाएं करते हैं, हम अपने हिसाब से बड़ी सुंदर व्याकरण दृष्टि से प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन अगर श्रोता के कर्ण स्रोत ही बधिर हो तो आप ट्यूबवेल करो, अगर जल स्रोत ना मिले तो ये प्रारब्ध का लीला है। और यहां बैठ करके जब आप ये भाव करेंगे कि वास्तव में मुझे आज भगवान से प्रार्थना करनी है, परमात्मा मेरा विवेक कभी शून्य ना हो, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, गौ ब्राह्मण सिद्ध संतों का कभी अपमान ना हो, और ऐ बिहारी, ऐ मेरे सामरिया सरकार, जिस तरीके से मनु और शत्रुपा के प्रार्थना से प्रसन्न हो करके उनका पुत्र बनकर आ गए त्रेता में, दशरथ कौशल्या मनु शत्रुपा है पूर्व जन्म की,
उस भक्त के भाव पर उनके पुत्र बनकर आ गए। ऐसे आप मेरे बच्चों में सद्बुद्धि देना जो नर से नारायण स्वरूप में बने, इस भाव से कथा सुनी जाती है। चलें कथा को आगे बढ़ाएंगे और इन अवतारों के लिए एक बार बोले बोल बांके बिहारी लाल की जय। हाथ ऊपर उठाइए थोड़ा सा और कर तल। सत्संग में जब आते हो ना तो ये शरीर से तीन काम करो, नेत्रों से हरि दर्शन की अभिलाषा, जिह्वा से हरि नाम उच्चारण और इन हाथों से मधुर करतल। हो मेरो सांवरिया सरकार, हो मेरो सांवरिया सरकार, नाव मेरी ले जाना उस पार, ले जाना उस पार, ले जाना उस पार, नाव मेरी ले जाना उस पार। I'm not a
राधे 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 अत्याचार बढ़ गया है, देवासुर का संग्राम की स्थिति आ गई है। तब भगवान ने कश्यप अवतार लिया, कश्यप अवतार लिया है, देवासुर संग्राम की तैयारी है, क्योंकि वृत्ति असुर और सुर की होती है। देवासुर संग्राम हो रहा है, यह कहा गया कि समुद्र मंथन किया जाए, मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे रखकर मथानी कराने के लिए भगवान ने कश्यप अवतार लिया। पर्वत जिस समय मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई तो ये कहा गया कि भाई इसको मथने के लिए रस्सी कहाँ से लाया जाए। मथानी समझ रहे ना, अपनो दही बिलोने का पुराना सिस्टम था। जो मंदराचल पर्वत तो बहुत बड़ा है, उसको पकड़ने के लिए रस्सी कहां से लाया जाए, और अगर मंदराचल पर्वत सागर में समाहित हो जाता तो जल स्तर कितना ऊपर आ जाता, समय से पहले प्रलय हो जाता। भगवान श्री हरि ने कश्यप अवतार लिया और अपने पीठ पे मंदराचल पर्वत को रख करके मथानी कराया। मंदराचल पर्वत से अनेक रत्न निकले हैं, मंदराचल पर्वत से आपको बता दिया जाए कि मंदराचल पर्वत से जो रत्न निकले इसके कारक भगवान शिव है। ध्यान से सुनना, अहंकार जो है ना आपका, वो भगवान का नाश्ता है, और अतिशय जो आपका प्रभु से नास्तिकता है वो उनका डिनर है। ये शिव जी कारक है समुद्र मंथन के, उसका रहस्य बता दे। अगस्त ऋषि से जब तक राम कथा सुन रहे थे भगवान शंकर, तो वहां विडंबना हुई थी। ऐसे वक्ता के चरण श्रोता धोता है ना, लेकिन वहां उल्टा हुआ था। भगवान शंकर और सती कथा सुनने गए थे, वक्ता थे अगस्त ऋषि, लेकिन अगस्त ऋषि ने सती और शिव के चरण धोए थे। कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। वहीं से सती के मन में संदेह होने लगा, ये तो उल्टा हो रहा है। प्रवक्ता के चरण श्रोता धोते हैं, लेकिन यहां तो श्रोता वक्ता के चरण धो रहा है, ऐसा हुआ ही नहीं। वक्ता श्रोता के चरण धोने लगा, अरे मेरे शिव किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, जिसकी उत्पत्ति ही घट से हुई हो वो राम कथा क्या खाक सुनाएगा। वही बदल गया ना श्लोक, पहले क्या कहा तिवारी बाबा, संग सती जग जननी भवानी, और अगली लाइन में दक्ष सुताई कहू चलो। भगवान शंकर वही हैं,
शिव के साथ शक्ति को भगवती मानकर पूजा किया। शिव ने कथा सुनी, सती अनमने मन से टाइम पास करती रही, क्योंकि संशय आ गया था ना। बाबा ने कल्पना की, आपके बारे में कीर्ति रचना आपके कर्मों पर निर्धारित है। दीक्षा देने के बाद कथा सुनने ते है ना, जब सिखाओ साहब कथा अगर आप सुनेंगे या कोई भी सुनता है ना, तो वक्ता को दक्षिणा दिया जाता है ना, चाहे फूल ही सही। अब भगवान शंकर ने तो कथा सुनी, दक्षिणा देने की बात आई, सती ने कहा आप दो। बोले मैं इसीलिए रहता हूं कि मेरे पास कुछ रहे नहीं, कोई मांगे कभी इकट्ठा ही मत करो। मांगेंगे क्या, यहां तो दिल लेना दिल देना, सौदा करा करा, नंगे पैर चलता हूं, आ जा। अपने पास नहीं है जेकवार भाई, अपने यहां तो जमीन में सोना पड़ेगा। अगर पक्कड़ और थप्पड़ और लक्कड़ के आनंद लेने तो फकीर के पास आ जा, और अगर आईएसी में घूमना है बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो पाखंडियों के पास चले जाना, वो दुकान अपने यहां नहीं लगती। भगवान शंकर ने कहा सती तुम हमेशा कहती थी ना, ध्यान से सुनिए, कि आप रोज कहती थी ना महल बना लो महल बना लो, मैं इसीलिए नहीं बनाया कि देना पड़े। एक बनाया था तो रावण का बाप विशस सर्वा दान में मांग कर ले गया, वही सोने की लंका है, सोने की लंका रावण या उसके बाप ने।